कोल्हापुर के पास लाट गांव, पंचगंगा के तट पर बसा हुआ देहात। यहाँ के लोगों के चेहरों पर फैला अचरज रूपी हास्य हंसी खुशी में तब्दील हुआ ज्ञानेश्वर की सफलता से। उच्च शिक्षा की कोई विरासत न थी, पीढ़ियों से चला आ रहा दर्जी का व्यवसाय और थोड़ी बहुत खेती, ऐसे घर में ज्ञानेश्वर की परवरिश हुई। सिलाई का काम करने वाले पिता के संस्कारों से ज्ञानेश्वर ने अपने जिंदगी की डोर को ऐंठना शुरू किया। गांव में बस की सुविधा भी नहीं थी, ऐसे वक्त में लाट से इचलकरंजी का सफर पिता के साथ साइकिल से कर इचलकरंजी से कोल्हापुर का सफर एसटी बस से किया। ये जगत यात्रा का आरंभ था। कोल्हापुर के विद्यानिकेतन हाई स्कूल में मिला प्रवेश जिंदगी का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सर्वोत्तम बनने के धुन में उसने मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी की तैयारी शुरू कर दी। मराठी साहित्य में दिलचस्पी बढ़ी तो कविताएं लिखने की प्रेरणा मिली। पाठशाला ने प्रेरणा दी, सोच दी, सपना दिखाया। जो लोग उसका सहारा बने, जिन अध्यापकों ने उसे विकसित किया, उनके प्रति मन में आदर भाव रखा। बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ज्ञानेश्वर ने मुंबई जाने का निर्णय लिया और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के इम्तिहान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। डेप्यूटी कलेक्टर के पद का कार्यभार संभाला। एक दिन खतों को छानते हुए एक टेलीग्राम दिखाई दिया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग धौलपुर भवन, कृपया मुलाखती येताना सर्व प्रमाणपत्राच्या मूळ प्रती सोबत आणाव्यात। फिर से जोर शोर से तैयारी शुरू हुई। सामान्य ज्ञान और वार्तालाप कला, इनसे संबंधित गहराई से अध्ययन शुरू हुआ। वैकल्पिक विषयों को दोहराना, और वो दिन आ गया, ज्ञानेश्वर इंटरव्यू के लिए धौलपुर भवन में उपस्थित हुआ। काम का हिस्सा समझकर उन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण भी लिया। शिक्षा के पंख लेकर उन्होंने प्रशासनिक काम का प्रारंभ किया। प्रशासन में काम करते हुए भी ज्ञानेश्वर ने सोचा, समाज के हम ऋणी हैं। ऐसी भावना रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। जिन जिन स्थानों पर ज्ञानेश्वर परराष्ट्र गए, वहां अपने प्रशासन की जिम्मेदारी बड़ी तत्परता से संभाली। वहां के लोग, उनकी संस्कृति, उनके जीवन का बड़ी बारीकी से अध्ययन और निरीक्षण किया और उसका उपयोग भारत और संबंधित राष्ट्र के सांस्कृतिक एवं प्रगतिशील गठन के लिए किया। Thank you.
ज्ञानेश्वर ने सृजनशील साहित्य का निर्माण किया। लोकसत्ता, सकाळ, साप्ताहिक साधना, द हिंदू, लोकमत, महाराष्ट्र टाइम्स, दैनिक भास्कर, इन समाचार पत्रों में साहित्यिक विभाग के लिए नियमित रूप से मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में लेखन किया। ज्ञानबाची मेघ, रशिया, नव्या दिशांचे आमंत्रण, माती, पंख आणि आकाश, माणूस आणि मुक्काम और नोकरशाहीचे रंग, ये उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उनके लेखन को विविध पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जहां जाता हूं वहां राष्ट्र प्रेम निरंतर अपने साथ होता है, ऐसा मानने वाले ज्ञानेश्वर को विश्व ही मेरा घर ये धर्म लगता है। इस वैश्विक सफर के आसमान में गांव की मिट्टी की आस मन में लिए हुए ज्ञानेश्वर जिंदगी जी रहे हैं। संसार के सभी मनुष्यों की भलाई का विचार मन में रखते हुए उन्हें जोड़ने का काम वो करते रहते हैं।